और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाए, हम भी चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। तो समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो और इस मुद्दे पर सरकार सर्वदलीय मीटिंग बुलाए। बड़ी खबर है ये, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरत बताई थी, उसके बाद कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि इसी कार्यकाल के दौरान हम ये बिल लेकर आएंगे और पास भी करवाएंगे। और इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो और इसके लिए सर्वदलीय बैठक पहले आए। आगे कार्रवाइयां होनी चाहिए। हम लोग वैसे चाहते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हो। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार में है और बार बार ये कह रही है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर वो सच्चे मन से ये चाहते हैं कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, तो सभी विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में दलों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का काम करें। हालांकि कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में है। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां पर एक नवविवाहिता का संदिग्ध स्थिति में उसकी मौत हो गई है। महिला का शव मिला है घर में फांसी से लटका हुआ। ससुराल वालों ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और महिला का अंतिम संस्कार करने निकल पड़े। महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पानी डालकर चिता की अग्नि बुझाई और महिला का अधजला शव अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने महिला के पति को पकड़ा है। घटना दादो थाना इलाके के नीनामई गाँव की है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। ये लड़की इन लोगों ने यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।